एरिया एंड पैरामीटर। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एरिया ऑफ पैरामीटर। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। राइट, सपोज यू हैव ए पार्क। लेट से दिस इज अ रेक्टेंगुलर पार्क और फार्म, वट एवर यू कैन से। दिस इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। राइट, इज दिस क्लियर? डोंट टॉक, डोंट टॉक। सेक्शन सी, फ्रंट बैक, गर्ल्स स्टूडेंट्स प्लीज स्टॉप टॉकिंग। सेक्शन बी, जल्दी से बैठो बच्चे, आप लोग प्लीज सिट डाउन। राइट, सो लेट्स से वी हैव ए दिस पार्क, रेक्टेंगुलर शेप पार्क। नाउ इफ वी हैव टू ग्रो सम ग्रास, टीचर प्लीज डू इट फास्ट। सेक्शन एफ, मैम प्लीज डू इट फास्ट। राइट, सो लेट्स से वी हैव दिस रेक्टेंगुलर पार्क एंड वी हैव टू ग्रो सम ग्रास इन दिस। राइट, नाउ ग्रास विल बी ग्रोन ऑन दिस एरिया द शेडेड पार्क। यस और नो? सर यस दिस शेडेड पार्क, दिस इज ए प्लेन सर्फेस। दिस इज सर्फेस और नॉट बच्चों? यस हाउ मेनी डायमेंशन सर्फेस हैज? यू नो वट इज डायमेंशन? पता है बच्चों डायमेंशन क्या होती है? यस और नो? नहीं नो, नो प्रॉब्लम। बच्चे डायमेंशन क्या होती है? लेट्स से दिस इज साइड्स। राइट, हमारे पास डिफरेंट टाइप की शेप्स होती है। वन वी कॉल 2D शेप्स एंड अदर वी कॉल 3D शेप। यू नो व्हाट इज शेप? व्हेन वी से 2D शेप एंड 3D शेप, यू नो व्हाट इज दिस और नॉट? अच्छा, यस और नो? Shapes व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2D शेप? like square, rectangle, triangle. Okay. You know why they are called 2D shapes? Why they are called 2D shapes? Who will tell me? कौन बताएगा बेटा why they are called 2D shapes? When we say 2D, this D means dimension, right? So it is a two dimension shape. So two dimension, when we say, so the मीनिंग ऑफ दिस इज इट हैज टू डायमेंशन। डायमेंशन क्या होते हैं? टू मेजरमेंट। तो व्हाट आर द मेजरमेंट इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल? लेंथ एंड ब्रेथ। सॉरी राइट और नॉट? लेंथ राइट, सो वी हैव, डू वी हैव वन डी शेप आल्सो? डू वी हैव वन डी शेप? यस और नो? यस और नो? स्टॉप टॉकिंग। सिक्स सी, फ्रंट बैक, गर्ल्स। हाँ जी, डू वी हैव वन डायमेंशनल शेप? व्हेन वी से वन डायमेंशन, सो देयर इज ओनली वन डायमेंशन। व्हेन वी से डायमेंशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? अभी तो मेजरमेंट, ये बढ़िया। मेजरमेंट्स मतलब टू साइड्स। So here we have only one side. Can we make the shape with one side? It is only a line. 1D is straight line. Or नहीं line. Is this clear? यस When we say 2D shape, that means they have two dimensions. Two dimensions, the shape which you have told me that is square and rectangle. They have two dimensions. What are the two dimension in case of rectangle? L and B, that is length and breadth. Yes or no?
दिस क्लियर और नॉट बच्चों? यस ठीक है, तो व्हेन वी से 3D शेप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D? सर प्लीज रिपीट इट अगेन. अच्छा, व्हेन वी से 2D शेप्स, 2D शेप्स हैव टू डायमेंशन, दैट इज टू मेजरमेंट, दिस लेंथ एंड ब्रेथ, इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ स्क्वायर, स्क्वायर हैव लेंथ एंड ब्रेथ, स्क्वायर हैव साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर, यस राइट? तो सिमिलरली सर्कल, तो व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज ए टू डायमेंशनल शेप, यस? व्हेन वी से थ्री डायमेंशनल शेप, इट हैज थ्री डायमेंशनल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। बच्चे, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, 2D में और 3D में? और 1D से स्टार्ट करते हैं। 1D यू कैन ओनली मेजर इट्स लेंथ। 1D में क्या मेजर कर सकते हैं बच्चों, राइट? 2D में क्या मेजर करते हैं हम? एरिया। और 3D में एरिया एंड वॉल्यूम, राइट बच्चों? यस और नो? सर कभी भी बच्चे 1D का एरिया नहीं होता है। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? एरिया नहीं होता ना बच्चे, बिकॉज इट डज नॉट हैव विड्थ और ब्रेड्थ। ठीक है, तो नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ। बट लेंथ वी कॉल इन द मेंसुरेशन, दिस लेंथ इज नोन एज पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? सर द सम ऑफ बाउंड्रीज यस, सम ऑफ बाउंड्री और आउटर बाउंड्री, यू कैन से ना, राइट? सर सो दैट इज ओनली लेंथ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? लेंथ को बच्चे किस यूनिट में मेजर करते हैं? मीटर। मीटर और किलोमीटर मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऑल आर ना यूनिट्स ऑफ लेंथ लेंथ एंड एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों? स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, राइट? चलिए, तो नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया। व्हेन वी से पैरीमीटर, राइट, पेरीमीटर इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, इज इट क्लियर? लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। व्हेन वी टेक एनी शेप, व्हेन वी टेक एनी शेप, वेदर इट इज अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल और अ सर्कल और अ पैरेललोग्राम, एनी शेप वी टेक, एनी क्वाड्रिलेटर वी टेक, एनी ट्राइंगल वी टेक, राइट, दीज ऑल आर टू डायमेंशनल शेप्स, दे आर यस प्लेन सर्फेसिस, सो वी कैन फाइंड देयर पैरीमीटर, राइट? व्हाट विल बी द पैरीमीटर? सपोज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यू मूव फ्रॉम हेयर अलॉन्ग द आउटर बाउंड्री ऑफ दिस फील्ड, सो वेन यू कम बैक, द सम टोटल ऑफ ऑल द साइड इज नोन एज, सम टोटल ऑफ पेरीमीटर ऑल द साइड इज नोन एज पेरीमीटर। पेरीमीटर नाउ इन सर्कल व्हाट वी कॉल इट, व्हाट इज द सर्कल पेरीमीटर ऑफ द सर्कल? द स्पेशल नेम गिवन टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज सरकमफ्रेंस सर्कमफेरेंस, इज दिस क्लियर? यस राइट, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल? सम सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ऑल साइड, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक विल बी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू पुट द फेंसिंग अराउंड ए पार्क और अराउंड ए फील्ड। व्हेन यू आर पुटिंग द फेंसिंग, इट विल बी ऑलवेज अराउंड द बाउंड्री वॉल,
Yes, or you are constructing the boundary. Is this clear? What will be the length of the rope for the fencing? So that means length, when you are finding length, that's mean perimeter. Suppose I have taken the example of the growing the grass or planting the tree. Is this clear? Yes or no? So that in that case we take, what we take in that case, when we have to grow the grass. So then the grass is grown on the entire surface. For surface we take area, not length, beta, area. Right? Because see, let's say we have this paper. Is this clear? Can you see this paper? Right? Whatever this total part of this surface, this is the area of this cube. Is this clear? And when you have Yes. to take its perimeter, this is its breadth, this is length, breadth, length, sum total of all the outer side. This is the outer boundary. When you say the area, the total surface of this paper on which you can write. Have you understood or not? Yes. Koi doubt beta isme? Sir, no. Is the area and perimeter, have you understood? कि कहाँ पे हमें perimeter निकालना है, कहाँ पे area निकालना है, right? Yes. So whenever you have to find the length, you have to go for perimeter, and when you have to find the area, then of course area. फॉर्मूला पता है बच्चों आप लोगों को, एरिया भी कैसे होते हैं बेटा? चलिए Yes. कौन कौन सी शेप्स की हैं आज तक आपने बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, Rectangle, triangle. थ्री शेप्स ओनली, राइट? Yes. राइट बच्चों, तो नाउ करणवीर प्लीज स्टैंड अप। Sir, from which class? सेक्शन 8, करणवीर फ्रॉम सेक्शन 8 प्लीज कम बेटा। सर वो एक्स्ट्रा हैरी फ्रॉम सेक्शन सी, हैरी फ्रॉम सेक्शन सी, क्लास में गया सर, एक्स्ट्रा सारे बच्चे एक्स्ट्रा क्लास के लिए। ओके देन रोल नंबर 7 फ्रॉम सेक्शन सी, आप क्लास में गया। सेक्शन सी। हाँ जी बेटा, नाउ टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हाँ जी बेटा बोलिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल किसने पूछना नहीं है, अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस किस किस का एरिया आता है आपको बेटा, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का आता है? आपको मेरी आवाज नहीं समझ आ रही, ही इज एक्सप्लेनिंग यू। नहीं नहीं यार, प्लीज सिट डाउन। रोल नंबर 11 फ्रॉम सेक्शन डी, रोल नंबर 11 फ्रॉम सेक्शन डी, नोबडी इज देयर। रोल नंबर 13 फ्रॉम सेक्शन, अच्छा आ गया। हाँ जी बेटा, कौन कौन से एरियाज के फार्मूला आते हैं आपको? ट्रायंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, किसका एरिया पता है बेटा आपको? सर अरे बोलो कुछ तो बोलो। हाँ बच्चे चुपचाप क्यों खड़े हो आप, बोलो ना। टीचर प्लीज चेक वेदर दिस माइक इज वर्किंग और नॉट।
or he's speaking something or not? Excuse हाँ जी, आ रही है आवाज बेटा? बढ़िया आ रही है. सो ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग. यस प्लीज टेल मी बेटा. किसका आता है बेटा, बताइए जो आता है आपकी. वेंडर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इसका फार्मूला आता है आपको, प्लीज टेल मी. अगर बोलो बोलो जल्दी बोलो बेटा. आप मेरे लिए बोल रहे हो सिर्फ अपने लिए बोल रहे हो? थोड़ा तेज बोल सकते हो ताकि आवाज आए यहाँ तक बेटा. आवाज नहीं आ रही बेटा आपको, थोड़ा तेज बोलिए जरा. क्लाउन मैडम, जो सबसे पहली शेप आती है हमारे पास ट्रायंगल. व्हेन वी से ट्रायंगल, इट्स एरिया इज, ट्रायंगल की जो ये नीचे वाली साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइड? बेस. बेस बोलते हैं बेटा. व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल? व्हेन वी से हाइट, ये हाईएस्ट पॉइंट है. इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, ये 90 डिग्री का एंगल होता है. तो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज क्या होता है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. Is this clear? Is it clear or not? Sir, yes. कुछ डाउट लग रहा है सेक्शन सी में, मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट को डाउट है. इफ यू हैव सम डाउट प्लीज आस्क. फ्रंट बैंक स्टूडेंट, यू हैव सम डाउट? सर नो. देन वी कम टू द स्क्वायर. व्हाट इज द स्क्वायर? इट्स ए टू डायमेंशनल शेप और इसकी सारी साइड इक्वल होती है, राइट? लेट वी टेक इट्स साइड एज ए. तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा इसका? इसकी सारी साइड का जो मेजर है दैट इज ए, इसको क्या लिख सकते हैं आप? ए इंटू ए. और हम दूसरी लैंग्वेज में क्या लिखते हैं इसको? साइड साइड मल्टीप्लाई साइड. ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर? And what is the area of rectangle? Sir, yes. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. Sir, please explain triangle. Triangle, fine. ठीक है बेटा, triangle क्या होता है? ये shape बनाई है मैंने triangle की. Now triangle का base तो हमें नजर आ रहा है बेटा क्या है, but height क्या होती है? अगर आपको पता है बेटा ये जो corner points होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं बच्चे? वर्टेक्स. पता है बेटा ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं किसी भी शेप के, वेदर इट इज स्क्वायर वेदर इट इज ए ट्रायंगल. इन कॉर्नर पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. सिंगल के लिए वर्टेक्स होता है, अगर हम प्लूरल बोलते हैं वर्टिसेस. तो ट्रायंगल की कितनी वर्टिसेस होती है? थ्री. स्क्वायर की कितनी वर्टिसेस होती है? ट्रायंगल हाइट क्या होती है बच्चे? जो ये ए पॉइंट जो लिया हमने, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उससे द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, ठीक है? पॉइंट और लाइन का जो डिस्टेंस होता है उसको हाइट बोलते हैं, राइट? अब हाइट का मतलब ये नहीं होता बेटा, देखिए जरा, अगर मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इज इट विजिबल? सो दिस इज नॉट द हाइट, ये वाली लेंथ जो है इट इज नॉट द हाइट, नीदर इज दिस हाइट. हाइट जो होती है बेटा, दिस इज द हाइट. समझ में आ रहा है बच्चों? यस. तो हाइट जो होती है जनरली आप लोगों को गिवन होती है, ठीक है? व्हेन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड,
The height is generally given. Base and height both are given. This is clear? Yes. Okay. So now you have to take this height. The formula for area will be 1 by 2 multiplied by base into height. Is this clear, Bachcho? Sir, yes. Now, area of square is side into side. Side. Area of rectangle is? Length multiplied by breadth. Length multiplied by? Breadth. This is length, this is breadth. So, this is length multiplied by? Now, what is the perimeter of triangle? If I have to take next note. If I have to take, but you note kar lena formula. Area of triangle is 1 by 2 into base into height. Sir, side multiply by 3. आ रहा हूँ बेटा मैं आ रहा हूँ जो बच्चा कह रहा है ना साइड मल्टीप्लाई बाय थ्री. देखिए बच्चे जब हम पैरीमीटर की बात करते हैं एक बच्चे ने बोला साइड मल्टीप्लाई बाय थ्री. ये वाला फार्मूला हम कब लगाते हैं जब ट्रायंगल कौन सा हो इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है दिस फार्मूला इज इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. जरूरी तो नहीं है ना कि ट्रायंगल हमेशा इक्विलैटरल हो राइट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं बड़ा सिंपल सी चीज है. पैरिमीटर क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल राइट बच्चों. सम ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल. व्हेन वी से the perimeter of square, what will be the perimeter of square? Sum of all sides. All sides are equal. So it will become 4 multiplied by side. Now what is perimeter of rectangle? Multiplied by plus breadth. इसमें क्या क्या होता है सारी साइड को हमने ऐड करना है. ये भी लेंथ है ये भी ब्रेथ है तो क्या हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी. तो दो एल बन के बैठेंगे एल प्लस एल टू एल एंड बी प्लस बी विल बी इनके विजिबल है आप लोगों को यस राइट. इसमें से अगर हम टू कॉमन ले लेते हैं बेटा तो क्या बन जाता है टू इंटू इज इट क्लियर सर यस. तो इट बिकम 2 इंटू एल प्लस बी. तो यहाँ पे कितना हो गया 4 इंटू साइड. यहाँ पे क्या हो गया सम ऑफ थ्री साइड एंड हियर इट विल बी हियर इट विल बी 2 इंटू एल प्लस बी. इज इट क्लियर कोई डाउट बच्चों इसमें सर. नो किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कहना आंसर क्वेश्चन. चले आगे जी. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. हाँ जी बच्चों कोई डाउट. तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है बेटा इस चैप्टर में राइट. तो नाउ वी कम टू द असाइनमेंट पार्ट. असाइनमेंट ओपन कीजिए बच्चों अपने. हाँ जी तो पहले असम्पशन रीजंस पे आ जाइए. पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज फिगर. यू नो बट बच्चों व्हाट इज क्लोज फिगर और व्हाट इज ओपन फिगर. आर यू अवेयर अबाउट क्लोज एंड ओपन फिगर. सर यस राइट. फॉर एग्जांपल सर्कल सर्कल और
ना बेटा, ये ओपन फिगर क्या होता है वैसे, जैसे ये वाली फिगर है, राइट? दिस इज अ ओपन फिगर, राइट? इज इट क्लियर? सो वी आर नॉट यस इंटरेस्टेड इन ओपन फिगर्स, सो सर, वील कम टू द क्वेश्चन पैट। पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज फिगर इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फिगर, इज दिस करेक्ट? Is it true or not? Perimeter of a closed figure, देखिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। हमने क्लोज फिगर ली, इस क्लोज फिगर का पैरीमीटर क्या होता है? वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड वी आर मूविंग अलॉन्ग इट्स बाउंड्री एंड वन राउंड इज कंप्लीटेड, इज इट पैरीमीटर ऑफ सर्कल और नॉट? बेटा व्हेन वी आर मूविंग अलोंग इट्स बाउंड्री इन वन राउंड दैट इज द पैरिमीटर, इज इट क्लियर? सो दिस इज ट्रू। नाउ कम टू द रीजन, पैरिमीटर इज मेजर्ड इन लेंथ यूनिट, इज दिस ट्रू और नॉट? यस सर, इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? सर, So, what is the answer then? यस B हो गया ना बेटा, both A and R true, but R is not the correct explanation of A. Is this clear? Is it clear? यस Come to the next question. If a square, a rectangle, and triangle are all made from a string of length 30 centimeters, then their perimeter will be same. This is clear? Question is clear? Now what is the question? He is saying there is a square. No talking much on. There is a rectangle and there is a triangle. We have taken a string जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है एंड फ्रॉम दैट स्ट्रिंग वी हैव मेड अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल और अ ट्रायंगल, नाउ विल देयर पैरामीटर विल बी सेम? यस, बिकॉज दैट 30 सेंटीमीटर विल बी द पैरामीटर, यस नो? हाँ जी, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट दिस क्वेश्चन? बेटा मेरे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे आई हैव दिस क्लोथ, लेट्स से दिस इज अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग होगी, अब मैं इसकी स्क्वायर शेप बना दूं, रेक्टेंगल शेप बना दूं या ट्रायंगल बना दूं, क्या इसकी लेंथ कम ज्यादा हो जाएगी बच्चों? सही यस, कौन है यस वाला खड़ा हो गया था, प्लीज कम, प्लीज, जो बच्चा यस बोल रहा था प्लीज स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन मी कैसे। बेटा स्ट्रिंग की लेंथ तो नहीं कम ज्यादा हो रही है ना, मैं वेदर आई एम मेकिंग इट्स शेप एज ट्रायंगल और रेक्टेंगल और ए सर्कल और ए स्क्वायर, विल इट चेंज? लेंथ तो उतनी रहेगी ना बच्चे, तो यस यस देयरफॉर इट विल बी ट्रू। सर, यस, नाउ सेकंड पार्ट, साइड ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल एंड लेंथ आर ऑफ सेम लेंथ, इज दिस करेक्ट? Side of square, rectangle and triangle are of same length. This is false. So false. option कौन सी हो जाएगी? सर सी C option. A is true, R is false. Now third question assertion. The perimeter of a rectangular hexagon. You know what is hexagon? What is सी hexagon? यस What is that? Please, कौन बताएगा? Anyone from section F? Anyone come from section F and tell me what is a hexagon? Section F में कोई नहीं है बताने वाला बच्चा? Section F, the teacher present, can you hear me in section F?
Is there some teacher present? Which has six sides? Is there some teacher or not better in class? Yes. Right. So, hexagon is a closed figure with six sides. Six sides. Right, बच्चों पता है सबको या नहीं पता? Three-sided figure को हम बोलते हैं triangle. Four-sided figure is called quadrilateral. Five-sided figure is known as pentagon. Six-sided figure is known as hexagon. And seven-sided figure. Seven-sided is known as heptagon or septagon. Anything you can call it. Eight-sided figure is octagon. Nine-sided figure. Nonagon. And ten-sided. Decagon. Decagon. Very good, bachi. Right. So now we come back to the question. हाँ जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन. इफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रेगुलर हेक्सागन. अच्छा, यू नो व्हाट इज रेगुलर और इरेगुलर हेक्सागन? व्हेन वी से रेगुलर हेक्सागन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ऑल साइड्स आर इक्वल. वेरी गुड. व्हेन वी से इरेगुलर और देयर इज रेगुलर, व्हाट इज मिसिंग? नॉट इक्वल. नॉट इक्वल. पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 42 centimeters. Right. So what he says, then the length of each side is 7 centimeters. हाँ जी बच्चे, what will be the perimeter equal to? 6 into 5. So perimeter कितना है बच्चे? 42. Side की length कितनी आ गई? Right. So false. False क्यों है बेटा? Who says false? बच्चे देखिए, this is a hexagon. This is a hexagon. All sides are same, right? All sides are same. Yes. So this is 7. So 7 plus 7? 14. 14 plus 7? 21 plus 7? 28. 28 plus 7? 35 plus 7? 42. वहां तो रहा है बच्चों, ट्रू है नहीं? फॉल्स थोड़े है. ट्रू. Perimeter of a n-sided regular poly, regular closed figure is equal to n into length of one side. देखो, अब n क्या था यहाँ पे? 6. Hexagon is a six-sided figure, so 6 into side of the figure. So this is also true. Is it the correct explanation? Of A. Yes. Option A. Also correct explanation, बच्चे. So the option will be ऑप्शन ए. किसी बच्चे को कोई डाउट इन तीनों क्वेश्चन में से? नाउ वी कम टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. क्वेश्चन वन, कंप्यूट द डिस्टेंस एक्स फॉर ऑल द फिगर गिवन यू. मैं एक ही करके बेटा फिगर बना रहा हूँ. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बोलिए बेटा. रीजन सर, कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर थर्ड क्वेश्चन ऑफ थर्ड क्वेश्चन. वेरी गुड, आई विल एक्सप्लेन. ही सेज पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. Regular hexagon. So, what is perimeter of regular hexagon? Hexagon is a
सिक्स साइडेड फिगर, तो सर यस व्हाट विल बी द पैरामीटर? सिक्स मल्टीप्लाई बाय साइड यहाँ पे कोई डाउट बेटा? सर दिस इज एन, दिस इज आल्सो एन, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एन इनटू साइड इज द, साइड यस और नो? सर यस तो समझ में आया बेटा? यस पैरीमीटर ऑफ ए एन साइडेड रेगुलर क्लोज फिगर इज इक्वल टू एन इन द लेंथ ऑफ द साइड. तो दिस इज एन इनटू लेंथ ऑफ द साइड इक्वल टू पैरीमीटर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सर बच्चा? यस सर चलिए द बेटा, ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन विल बी ए बेटा. Now subjective question first part. The shape is given to you. This total is 28. This is 16. Right? And this X. is X. Now we have to find the length of X. See, if you cut this, so this will be equal to this length, which is राइट और आप इसको एक्सटेंड कर देते हैं. लो यू एक्सटेंड दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी सेम, राइट और नॉट? तो यस ये बेटा दिस टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू दिस टोटल लेंथ. समझ में आया बेटा ये नहीं आया? तो नहीं समझ आया तो प्लीज टेल मी. Anybody has not understood, please. So what it becomes? X will be equal to, right? Is it clear, बच्चों? ठीक Is this clear or not? ठीक है, हमने क्या किया बेटा? एक रेक्टेंगल ये वाला कंप्लीट कर दिया और एक दूसरे वाला रेक्टेंगल. और हमें पता है बच्चे रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है दे ऑल आर इक्वल. यस, यस तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल है, सो हैंस अप्लाइड दिस कॉन्सेप्ट. द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल मीन्स दिस इज वन साइड 16 प्लस एक्स. बच्चे इसको 16 इंटू एक्स मत लिख देना. व्हेन वी आर एडिंग, तो दिस इज साइन ऑफ एडिशन. तो दिस इज साइन ऑफ एडिशन, नॉट मल्टीप्लीकेशन. Please do take care of this. So we have applied the concept of opposite side of a rectangle are, opposite side of a rectangle are equal. So then one side of rectangle, let's say I put it name A, B, C, this is D, E, F, and let's say this point is D. So we have this रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी. व्हाट विल हैपन? ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, राइट बच्चों? यस अपोजिट साइड को इक्वल कर दिया. और बी सी किसके इक्वल है बेटा? सम ऑफ दिस प्लस दिस, राइट और नॉट जी? बेटा ये एक लेंथ है, ये बीच में पॉइंट है, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे? ए सी प्लस सी बी, नॉट? समझ में आया इस स्टेप या नहीं आया बच्चों? किसी यस को नहीं आया बेटा प्लीज टेल मी. आई थिंक सम ऑफ यू आर सिटिंग लॉस्ट. बाकी बच्चों को नहीं क्लियर हुआ मुझे लग रहा है. क्वेश्चन आप लोग कर दोगे मुझे पता है, बट कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है. क्लियर है? तो आंसर आ गया आपका बच्चे 12. फर्स्ट पार्ट में एक्स इज 12.
Yes, we move to the next question, बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना बच्चों. ये राइट. नाउ दिस लेंथ इज गिवन 8.5 एंड एक्स इज दिस राइट. दिस लेंथ इज 10.5 एंड दिस इज 15. क्लियर बेटा? सर वो तो 10.6 है सर, 10.6 है 5 है. सिक्स है No, 10.6. अब इफ यू मीट दिस, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी बेटा? व्हाट विल बी दिस साइड? लेट्स से ए बी, ए बी विल बी इक्वल टू 15 अपोजिट साइड. ये देखिए रेक्टेंगल बन गया बेटा, ये वाला यस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल है, तो दिस विल कम डाउन टू बी एक 15 और रेक्टेंगल हमने कंप्लीट कर लिया, ये वाला. इफ दिस इज एक्स तो दिस विल आल्सो बी एक्स. क्या यस हो जाएगा बेटा? एक्स प्लस 8.5 इक्वल टू 10.6 प्लस. इज दिस क्लियर? यस कितना आ रहा देखो जरा. हाँ जी, कितना आ गया बेटा ये? कितना आ गया बच्चों? सर सेवनटीन पॉइंट वन. हाँ जी बेटा. अगेन यस, देखिए बेटा ये हमारे पास शेप थी, हमने ये दो लाइन ड्रॉ कर दी है, रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दिया बेटा, ये वाले रेक्टेंगल को राइट. वन साइड, वन अपोजिट साइड इज एक्स प्लस 1.5, अनदर अपोजिट साइड इज 10.6 प्लस 15. तो हमने दोनों अपोजिट साइड को इक्वल कर दिया बेटे राइट. वी हैव डन द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल. सो नाउ दिस रेक्टेंगल विल बिकम, द साइड विल बिकम एक्स प्लस 8.5, दिस विल बिकम, दिस इज 10.5 प्लस 15. So we have made both equal. Is it clear? सर So answer will be this 17.1. X will be 17.1. Is it clear? So we'll finish our class today here only, बच्चों. Next class we'll continue this, right? Okay. Thank you very much, students. Thanks a lot, teacher, for joining.